इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर निर्भया के दोषियों को तारीख पर तारीख अब तक मिल रही थी, मगर अब पटियाला हाउस कोर्ट ने ये फैसला लिया है, ये निर्देश जारी किया है कि अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे दरिंदों की फांसी के लिए डेथ वारंट की बात कही जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया गया है। आज ही दरअसल मुकेश नाम के एक दोषी की दया याचिका को राष्ट्रपति की तरफ से खारिज किया गया था, और आज ही निर्भया के मां की तरफ से और बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ से जो कि उम्मीद जता रहे थे कि जल्द से जल्द फांसी की जो तारीख मुकर्रर की गई है उसी पर हो, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही थी। मगर अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही पल पहले ये फैसला आया पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि अब निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निर्भया के दोषियों को फांसी के मामले में। हालांकि अभी तक तारीख पर तारीख इसलिए हो रही थी क्योंकि कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करके निर्भया के दोषी कहीं ना कहीं फांसी को टालने या लटकाने की कोशिश और फिराक में थे, मगर पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पर तस्वीर साफ कर दी है। और इस बीच में जब कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से, किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, 1 तारीख को फांसी सुबह 6 बजे, आइए सुनते हैं अधिवक्ताओं की जबानी। कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद फ्रेश डेथ वारंट 1 फरवरी के लिए सुबह 6 बजे के लिए चारों दोषियों के लिए निर्गत किया है। तो निर्भया के चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी हो चुका है। हालांकि आज ही फरियाद किया था निर्भया के दोषियों ने, R9 टीवी से बातचीत करते हुए कहा था कि सरकार से हम ये चाहेंगे कि सरकार अपने उस वादे को निभाए जिस पर यह कहा गया था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे का जिक्र करके ये कहा गया था जो कानूनी पेचीदगियां हैं जिन दांव पेच का इस्तेमाल करके ऐसे दोषियों के वकील फांसी की सजा को लटकाने या टालने के फिराक में रहते हैं, कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिसके बुनियाद पर इन तमाम मकड़ जाल को खत्म किया जा सके। आज ही एक दोषी जो कि मुकेश, जिसने याचिका दाखिल की थी जिसमें मर्सी पिटीशन लगाया गया था राष्ट्रपति के पास में, उस दया याचिका को आज ही राष्ट्रपति ने खारिज किया था। और अब से कुछ ही देरी पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए नया निर्देश जारी किया है कि अब डेथ वारंट के मुताबिक 1 तारीख को, 1 फरवरी को सुबह के 6 बजे के वक्त के अनुसार फांसी दी जाएगी। इन तमाम चीजों पर कुछ ही देरी में हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित दुबे भी जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ग्राउंड क्या था जिसके आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने ये नया फरमान जारी किया है, क्योंकि कानूनी जानकार ऐसा मान रहे थे कि दया याचिका खारिज होने के बाद में 14 दिनों का जो वक्त मिलता है वो वक्त इस बीच में इन दोषियों को भी दिया जाएगा, मगर याचिका फिर से लगाई गई थी ट्रायल कोर्ट में, चूंकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया था जब पीड़िता के वकीलों की तरफ से, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले को हाई कोर्ट के बजाय आप ट्रायल कोर्ट में ले जाएं, यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ जाएं, और उसके बाद में वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। मगर ट्रायल कोर्ट ने एक बड़ा कदम, एक बड़ा फैसला लेते हुए अभी निर्देश जारी किया है कि 1 फरवरी को उन दरिंदों को फांसी दी जाएगी सुबह 6 बजे के वक्त में।